प्रणाम, मैं हूँ राम पटेल, वास्तुशिल्प कलाकार। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल राम बंबू आर्ट पर। पिछले वीडियो में हमने देखा प्रभु श्री राम सहित चारों भाई गुरुकुल विद्या ग्रहण करने के लिए गए। आगे की कथा कुछ इस प्रकार है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजीर बिहारी। मुनि आगमन सुना सब राजा, मिलन गये ले विप्र समाजा। करी दंडवत मुनि सन्मानी, निज आसन बैठा रही आनी। अर्थात राजा ने मुनि का आना सुना, तब वे ब्राह्मणों के समाज को साथ लेकर मिलने गए और दंडवत करके मुनि का सम्मान करते हुए उन्हें लाकर अपने आसन पर बैठाया। तब मन हर सी वचन कह राऊ, मुनि अस कृपा न किन ही हुकाऊ। के ही कारण आगमन तुम्हारा, कहो सो करत न लाऊ बारा। अर्थात तब राजा ने मन में हर्षित होकर ये वचन कहे, हे मुनि, इस प्रकार कृपा तो आपने कभी नहीं की। आज किस कारण से आपका शुभ आगमन हुआ, कहिए, मैं उसे पूरा करने में देर नहीं लगाऊंगा। असुर समेत सता वही मोही, मैं जाचन आयव नृप तो ही। अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बद मैं होब सनाथा। अर्थात मुनि ने कहा, हे राजन, राक्षसों के समूह मुझे बहुत सताते हैं, इसलिए मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूँ। छोटे भाई सहित श्री रघुनाथ जी को मुझे दे दो, राक्षसों के मारे जाने पर मैं सनात सुरक्षित हो जाऊंगा। अति आदर दो तने बोलाए, हृदय लाई बहु भांति सिखाए। मेरे प्राण नाथ सुत दो, तुम मुनि पिता आन नहीं को। अर्थात राजा ने बड़े ही आदर से दोनों पुत्रों को बुलाया और हृदय से लगाकर बहुत प्रकार से उन्हें शिक्षा दी। फिर कहा, हे नाथ, ये दोनों पुत्र मेरे प्राण हैं। हे मुनि, अब आप ही इनके पिता हैं, दूसरा कोई नहीं। प्रात कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करह तुम जाई। होम करण लागे मुनि झारी, आपु रहे मख की रखबारी। मुनि मारिच निशाचर क्रोही, लय सहाय धावा मुनि द्रोही। बिनु फर बाण राम ते ही मारा, सत जोजन सागर पारा। अर्थात सवेरे श्री रघुनाथ जी ने मुनि से कहा, आप जाकर निडर होकर यज्ञ कीजिए। यह सुनकर सब मुनि हवन करने लगे। आप श्री रघुनाथ जी यज्ञ की रखवाली पर रहे। यह समाचार सुनकर मुनियों का शत्रु क्रोधी राक्षस मारिच अपने सहायकों को लेकर दौड़ा। श्री राम जी ने बिना फल वाला बाण उसको मारा, जिससे वह सौ योजन के विस्तार वाले समुद्र के पार जा गिरा। आश्रम एक दिख मग माही, खग मृग जीव जंतु तह नाही। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विशेषी। अर्थात मार्ग में एक आश्रम दिखाई पड़ा, वहां पशु पक्षी कोई भी जीव जंतु नहीं था। पत्थर की एक शिला को देखकर प्रभु ने पूछा, तब मुनि ने विस्तार पूर्वक सब कथा कही। दोहा, गौतम नारी श्राप बस, उपल देह धरिधिर, चरण कमल रज चाहते, कृपा करहु रघुवीर। अर्थात गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या सापवश पत्थर की देह धारण किए बड़े धीरज से आपके चरण कमलों की धूली चाहती है। हे प्रभु, इस पर कृपा कीजिए। आज के लिए केवल इतना ही। आगे की कथा सुनने के लिए मेरे YouTube चैनल राम बंबू आर्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय सियाराम।